हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ अकाउंटेंसी और चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एडमिशन, ठीक है, यानी कि गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में हमने पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। आज हम लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है 24, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि मिथिला नारी कल्याण समिति का 31/3/2022 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्तियों भुगतान खाता निम्नलिखित है, ठीक है, यानी कि फ्लोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मिथिला नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है, 2022। दिया क्या इसमें, प्राप्ति और भुगतान खाता रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट आपको बना करके दे दिया है, ठीक है। नीचे क्या क्या देखिए, दिया है ओपनिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस बीडी 20,100 रुपये, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1,31,500 रुपये, फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स यानी कि गैर सदस्य शुल्क दिया है 2,700 रुपये, नगर पालिका ग्रांट यानी कि म्युनिसिपल ग्रांट दिया हुआ है 1,00,000 रुपये, और दिया है भवन के लिए अनुदान यानी कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,00,000 रुपये, और ब्याज कितना है, इंटरेस्ट है 100 रुपये। पेमेंट से चलते हैं, पेमेंट में हम लोगों को क्या क्या हमने पेमेंट किया है, ठीक है। तो दिया है कर्मचारियों का वेतन सैलरी ऑफ स्टाफ, ठीक है, ये कितना दिया गया है 30,000, रेंट दिया गया है 60,000, कार का लागत कॉस्ट ऑफ कार ये कितना है 2,00,000, एक्सपेंसेस ऑफ कार कार पे खर्चा कितना किया गया है वो किया गया है 10,000 रुपये, ऑफिस एक्सपेंसेस किया गया है 20,400 रुपये, और लीगल एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है कैश एट बैंक 29,000 रुपये। नीचे क्या दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए इस क्वेश्चन में हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे क्या कर रहा है ये भी सबसे जरूरी चीज़ है। नीचे दिया है कि भवन कोष के लिए दान प्राप्त था 1,000 का दान गलती से चंदा खाता में शामिल कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि ए डोनेशन फॉर 1,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और क्या दिया है, सेकेंड नंबर पॉइंट दिया है कि 31/3/2022 को अदत वेतन 2,000 था, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 वाज 2,000। दिया है कि 31/3/2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए, यानी कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है, ठीक है। देखिए हम बताएं क्या कि जब भी कोई खाता तैयार करना हो, जब भी कोई खाता हम बना रहे हो, तो उस खाते को बनाने से पहले क्या करते हैं, उस खाते का फॉर्म है, ठीक है। तो हमको पता है ये क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, हमको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा होता है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मिथिला नारी कल्याण, ठीक है, उसके बाद से क्या लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, खाते कब बंद होते हैं तो 31 मार्च 2022 को, ठीक है। इस खाते में खाते बंद टाइम इधर हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर, जो भी हम खर्चे करते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां हमारा आता है अमाउंट, और यहां पर लिखते हैं इनकम, और यहां पर रहता है हमारा अमाउंट, ठीक है, ये तो सबको पता है जनरली। अब देखते हैं कि हमको इनकम में क्या रखना है और एक्सपेंडिचर में क्या रखना है, तो इनकम देखते हैं। इनकम देखिए सबसे पहले बात बता दें कि बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी का लेखांकन इसमें हम नहीं करते हैं, ठीक है। इस खाते में जब भी इस खाते को बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी का लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या क्या है ये देखते हैं। तो इसके बाद से सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इनकम में क्या दिया है सब्सक्रिप्शन, तो लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन की राशि कितनी है, ये राशि दिया गया है 1,31,500 रुपए, इसको अंडर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें गलती से 1,000 जो किसके लिए दिया गया था, भवन के लिए 1,000 दिया था,
वो कहां चला गया है, सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो इसमें से लेस कर देंगे, लेस किसके लिए देगा था, भवन फंड के लिए, तो लिखेंगे बिल्डिंग फंड, कितना था 1000। अब देखिए 1,31,500 में से हमारा 1000 घट गया, बचा कितना 1,30,500। ये क्या है हमारा, ये हो गया सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके वजह से क्या है दिया है कि फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, लिखेंगे फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, ठीक है। इनसे कितना मिला है, तो इनसे मिला है 2700 रुपए मिल गया, ठीक है। और क्या है, म्युनिसिपल ग्रांट मिला है, म्युनिसिपल ग्रांट लिखेंगे। ये कितना मिला हमको, तो ये मिल गया है हमको 1,00,000 रुपए। और क्या मिला इसके बाद, हमने डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है वो क्या है, वो हमारा है भाई कैपिटलशिप, उसको दिखाएंगे नहीं। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट है, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कितना मिला हमको, ये मिल गया है 100 रुपए। इधर आते हैं, हमने क्या क्या खर्चे किए हैं, तो खर्चे में हम लोगों ने सबसे पहले क्या दिया है, सैलरी दिया है, सैलरी ऑफ स्टाफ, तो लिखेंगे टू सैलरी ऑफ स्टाफ, ठीक है। कितना दिया गया है, देखिए सैलरी दिया गया है 30,000 और इसमें आउटस्टैंडिंग बचा है, तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, सैलरी 80 लिखते हैं, यहां 80 लिखेगा सैलरी 30,000 और आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग को घटाते हैं, क्लोजिंग को जोड़ते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग दिया है कितना 2,000, ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 32,000 रुपया हो जाएगा सैलरी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमने रेंट दिया है, ठीक है, तो लिखेंगे टू रेंट, कितना, तो रेंट दिया हमें 60,000, लिखेंगे 60,000। उसके बाद से क्या किया गया है, उसके बाद से हमने कॉस्ट ऑफ कार, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कार क्या है, तो कार अगर खरीदते हैं तो हमारा कैपिटल पेमेंट है, उसको दिखाएंगे नहीं, लेकिन कार पे जो खर्चे करेंगे उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ कार, तो कार पे जो खर्चे करेंगे वो हमेशा करेंगे, कभी पेट्रोल तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऑफ कार इसका हम लिखा करेंगे, ये कितना हुआ है, ये हुआ है 10,000, लिखेंगे 10,000। इसके बाद से क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ सॉरी ऑफिस एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ऑफिस पे कितना खर्चा किया गया है, तो ऑफिस एक्सपेंस किया गया है हमने 20,400 रुपए, ठीक है। उसके बाद से क्या किए हैं, लीगल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो लीगल एक्सपेंस लिखेंगे, लीगल एक्सपेंसेस, ये हमने कितना किया, ये हमने कर दिया 5,000 रुपए। उसके बाद से बैलेंस सीडी दिया है, ठीक है, तो सबको पता है कि बैलेंस सीडी का लेखा नहीं करते हैं, उसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये हमने सब कुछ कर दिया, ठीक है, अब हम जोड़ के घटाने वाला काम करेंगे। तो देखिए किधर का अमाउंट ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इधर अमाउंट ज्यादा है, लिखेंगे सबको जोड़ के 2,33,300, ये टोटल आ रहा है, ठीक है, यही अमाउंट यहां लिखेंगे 2,33,300, ठीक। अब इसमें से इन सबको घटाएंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कहलाएगा सरप्लस, ठीक है। तो घटाने के बाद कितना बचेगा, बच जाएगा 1,05,900, ठीक है, तो ये हमारे पास जाएगा सरप्लस हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा नहीं क्या करना है, तो जो भी मतलब हम सबसे पहले तो नीचे का जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो हमको सबसे मिलता है कितना 1,30,500, इसमें से बिल्डिंग का जो हमने मतलब बिल्डिंग का जो पैसा मिला था उसका एक इसमें से गलती से शामिल कर दिया गया था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे का तो रखेंगे नहीं, तो इसमें से इसका घटा देंगे, बिल्डिंग वाला घटा देंगे, घटाने का कितना बचा 1,30,500, ठीक है।
जो नॉन मेंबर्स थे उन्होंने फी कितना दिया 2700 रुपए, म्यूनिसिपल ग्रांट कितना मिला हमको 1 लाख रुपए, और इंटरेस्ट कितना मिला 100 रुपया, सबको जोड़े हमने खर्चे कितने किए, तो सैलरी दिया था 30,000, बाकी था कितना 2,000, जोड़ देंगे हो जाएगा 32,000, ठीक है। रेंट दिया है 60,000, देखिए कार कर देंगे तो कार क्या है, कार हमारा एक मतलब संपत्ति है और उस पर हम खर्चा जो करते हैं वो हमारा क्या है कैपिटल पेमेंट है, तो उसका तो लिखा करेंगे नहीं, लेकिन कार पे जो हम खर्चे करते हैं कभी उसका रिपेयर कराते हैं, कभी पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, ठीक है, तो वो जो पैसा होगा वो हमेशा चलता रहेगा, तो उसको तो दिखाएंगे क्योंकि हमेशा होने वाला है, आयगत है तो उसको दिखा दिए, ऑफिस एक्सपेंस किए हैं वो दिखा दिए, लीगल एक्सपेंस किए हैं वो दिखा दिए, ठीक है। अब इनमें से जोड़ के इनको घटा दिया जाएगा, घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा सरप्लस है, या इसी को बताए थे क्या बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत, इसको हम क्या बोलेंगे सरप्लस, या इसी को बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 है, दिया है कि अमर ज्योति पटना का 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आगम शोधन खाता निम्नलिखित है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है किसका, अमर ज्योति पटना का, ठीक है। दिया है फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2021 दिया है, ठीक है। रिसिप्शन में क्या क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है 640 रुपए, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2021 का 850 और 2022 का 2500 रुपए, ठीक है। टिकट दिया हुआ है, टिकट सोल्ड, टिकट का विक्रय ये है 355 रुपए, डोनेशन मिला है दान 400 रुपए, और पुराने अखबारों का विक्रय यानी कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर कितना है 2500 रुपए। पेमेंट से चलते हैं, दिया है कि जनरल एक्सपेंसेस सामान्य व्यय ये है 50 रुपए, ड्रामा एक्सपेंस, ड्रामा व्यय कितना हुआ है 200 रुपए, न्यूज पेपर ETC मतलब कि अखबार खरीदे होंगे, ठीक है ये कितना है 300 रुपए, सैलरी दिया गया है 500 रुपए, डोनेशन दिया गया, दान दिया गया है कितना 50 रुपए, टैक्स पेड किया गया है 25 रुपए, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया गया है 335 रुपए, ठीक है, और बैलेंस शीट दिया गया है 835। नीचे क्या दिया है, दिया है कि अमर ज्योति पटना का 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता बनाइए, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2021, ठीक है। क्या है, दिया है कि निम्नलिखित सूचनाओं का ध्यान रखिए, ठीक है क्या क्या है भाई सूचना में, तो दिया है कि एक भवन 20,000 का है जिस पर 5% वित्तीय शुल्क लगाना है, हरास काटना है, सदस्य संख्या 500 है और वार्षिक शुल्क कितना देते हैं 5 रुपया प्रति सदस्य देते हैं, ठीक है। देखिए हमको करना क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हम चंदा की राशि निकालेंगे, चंदा कितना है और हमारा चंदे की राशि निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर है 26, देखिए हमारे मेंबर कितने हैं, मेंबर से 500 और पर मेंबर कितना देता है भाई ये देता है 5 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पर मेंबर 5 रुपए देगा तो हो जाएगा हमें कितना 2500 रुपए, होगा ना। अगर मेंबर हमारे 500 है और एक मेंबर 5 रुपए देता है तो इस हिसाब से कितना हो गया हमारा 2500 रुपए सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है ये हो गया सब्सक्रिप्शन। लेकिन हमको मिला कितना 2021 में, हमको कितना मिला, मात्र मिला है 850 रुपए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मिला है कितना मात्र 850 रुपए। अच्छा देखिए 2500 का सब्सक्रिप्शन मिल कितना रहा है 850 रुपए, अब बताइए कि कितना हमको नहीं मिला, ठीक है। हम निकालेंगे यहां आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो 2500 हमारा सब्सक्रिप्शन था जिसमें से मिला मात्र 850 रुपए, तो कितना नहीं मिला भाई तो 1650 रुपए, यही हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, कोई दिक्कत। टोटल कितना होना चाहिए था 2500, लेकिन इस समय मिला कितना मात्र 850 रुपए, कितना नहीं मिला तो 1650 रुपया हमको नहीं मिला, ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन बनाने के लिए बताए हैं क्या किया जाएगा, तो आय व्यय खाते का फॉर्मेट,
ठीक है, लिखेंगे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर इंडियन या इंडिंग। खाते कब बंद होते हैं हमारे, तो खाते बंद हो गए हमारे 31 दिसंबर 2021 को, तो 31 दिसंबर 2021। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, ये हमारा अमाउंट और ये हमारा इनकम और ये हमारा अमाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमने क्या पाया और क्या दिया। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले करेंगे चंदा, सबसे पहला काम है चंदा, लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, मिला कितना, मिला है मात्र 850 रुपए। ठीक है, तो हमने लिखे 850 रुपए, क्या इतना मिला था, टोटल कितना हमारा है 2500 रुपए, तो जितना नहीं मिला उतना जोड़ेंगे, तो लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग 1650 रुपए, टोटल कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, चूंकि चंदे की राशि कितनी है हमारी 2500। ठीक है, तो सबसे मिले कितना 850, बाकी कितना था हिसाब 1650, सब मिला कितना हो गया 2500 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टिकट सेल किए हैं, तो टिकट सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कितने का सेल किए टिकट, तो टिकट सेल कर दिया हमने 355 रुपए का, तो लिखेंगे 355। और क्या किया गया है, टिकट सेल करने के बाद हमने दान पाया है 400 रुपए का, तो लिखेंगे बाई डोनेशन। ठीक है, कितने का दान, तो ये मिल गया हमको 400 रुपए का, दान है 400। और क्या दिया गया है, दिया गया है पुराने अखबारों की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो अगर हम पुराने अखबार बेचते हैं तो उससे जो पैसा मिलेगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इससे कितना हमको प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ 25 रुपए। अब हमने भुगतान क्या क्या किया है, क्या क्या पेमेंट्स किए हैं, तो देखिए जनरल एक्सपेंस दिया गया है, तो लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, हमने खर्चा कितना किया, ये है 50 रुपए, तो लिखेंगे यहाँ पे 50 रुपए। और क्या खर्च किए, तो ड्रामा एक्सपेंस किया गया है, लिखेंगे टू ड्रामा एक्सपेंसेस, ये है कितना 200 रुपए। और क्या किया गया है, ड्रामा के बाद हमने किया न्यूज़पेपर खरीदा होगा, तो न्यूज़पेपर लिखा है न्यूज़पेपर ETC, ये कितना है, ये है 300 रुपए का। ठीक है, और क्या है, तो न्यूज़पेपर के बाद हमने सैलरी दिया है, तो लिखेंगे सैलरी, ये सैलरी कितना दिया गया है, तो सैलरी दिया गया हमने 500 रुपए का दिया, तो सैलरी 500 लिखेंगे। और क्या किया गया भाई, तो डोनेशन दिया है 50 रुपए का, तो लिखेंगे डोनेशन 50 रुपया। इसके अलावा क्या किया गया है, डोनेशन पर टैक्स दिया गया है 25 रुपए का, तो लिखेंगे टैक्स कितना 25 रुपए। इसके अलावा टैक्स के बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये कितना किया गया है, ये है 335 रुपए। और देखिए नीचे थोड़ा सा एक बात फिर से ध्यान दीजिए, नीचे दिया गया है कि एक भवन है, भवन 20,000 का है, जिस पर 5% डिप्रिसिएशन काटना है। ठीक है, तो अगर हमारा भवन 20,000 का है, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अगर हमारा भवन 20,000 का है, तो इस पे 5% कितना आएगा 1,000। ठीक है,
तो यहाँ पर हम डिप्रिसिएशन को भी दिखाएंगे, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये कितना हमने किया 1000, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब इन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि इधर का अमाउंट ज्यादा है, इनको जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 3280 रुपया, ठीक है। अब वही अमाउंट यहां पर लिखेंगे 3280, इनमें से सबको घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा सरप्लस, ठीक है। तो इन सबको, सब में से 3280 रुपए में से इन सबको घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा सरप्लस होगा, ठीक है। तो घटाने के बाद कितना बचेगा, ये हो जाएगा 820 रुपए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा, कोई दिक्कत? तो ऐसे करके आप क्वेश्चन का आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत भारी तो है नहीं। अब करना क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन की तरह दिल से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन का कहने का अर्थ क्या है, ठीक है, वो हमसे कहना क्या चाहता है, और अगर क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ लेते हैं तो आसानी से सोल्यूशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत?